ओम शांति। आज तारीख है 26/8/2020। प्रातः मुरली। ओम शांति। मधुवन, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ लोअर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल भूल जाए, एक सेकंड में ऊपर जाना और आना। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा हो, कोई भी चूर पूर नहीं, यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अविनाशी ज्ञान धन में धारण कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को समय ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे ही कल्याणकारी बनना है। नंबर दो, खाने पीने की पूरी परहेज रखनी है। कभी कभी आंखों धोखा न दी, ये भी संभाल करनी है। अपने को सुधारना है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विक्रम नहीं करना है। वरदान, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है, यही स्टेज लाइव हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। जैसे बीज द्वारा सबते ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो, न कि बल्लभ। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। स्लोगन, एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ओनर बना देगी। अच्छा, ओम शांति। आप सभी बाबा के मीठे स्किल दे बच्चे, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो, मुरली की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता जाए। अच्छा, फिर से ओम शांति।